बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, 1 किलो चावल। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 कप दही में हमने 1 किलो चिकन को शामिल कर लिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो शामिल कर लेंगे। उसके बाद है 1 स्लाइस किया हुआ प्याज, ये जाएगा। 2 टेबलस्पून है हरी मिर्च, ब्रीक स्लाइस काट के हमने इसको वो भी शामिल कर दी। 2 टेबलस्पून है धनिया, 1/2 टीस्पून है हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून है धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून है नमक, 2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें हमने वो डाली है हरी मिर्च डाली है, तो लाल मिर्चों का पाउडर हम 1/2 टेबलस्पून डालेंगे। बस इसको हम मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 1 कप तेल में हमने 1/2 टेबलस्पून लेना है ज़ीरा, इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। ज़ीरा फ्राई हो जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 स्लाइस किया हुआ प्याज, 1/2 प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे। जी नाज़रीन, देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें 2 से 3 अदद हम टमाटर ऐड कर देंगे। नाज़रीन, होने के लिए इसके हम 2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें नमक, 1/2 जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला में ये दालचीनी है, 2 स्टिक लिया हमने, अजवाइन है, बादियाने फूल है 2 अदद, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 अदद सब्ज इलायची हैं, लौंग 6-7 अदद और काली मिर्च साबुत है। 1/2 हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ऑयल। ये चला गया ऑयल। ये नाज़रीन देखिए हमारा जो मसाला टमाटर और प्याज फ्राई किया था वो बन चुका है। अब उसमें हम चिकन ऐड करने जा रहे हैं, जो हमने मैरिनेट किया था आधे घंटे के लिए। बिस्मिल्लाह। अब चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन जब गल जाएगा फिर हम इसको चावलों में
ऐड करेंगे। फिर हम इसकी तह लगाएंगे चावलों में। जी नाजरीन, ये देखिए पानी को बॉईल आ गया था, इसमें हमने चावल ऐड कर दिए हैं। अब चावल दो से तीन हमने इसको बॉईल कर लेना है, फिर इसको हम निथार लेंगे। जी नाजरीन, ये ऑलमोस्ट चावल हमारे डन हो चुके हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल को ग्रीस कर लेंगे नीचे से। पहले हम चिकन ऐड करेंगे। इस तरह से आपने चिकन को ऐड कर लिया। फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड हो गया हमारे। फूड कलर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा। फिर इसमें चिकन जाएगा दोबारा। ये दूसरी हमने भी तह लगा दी है चिकन की। अब इसमें चावल डालेंगे दोबारा से। चावल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। ये हमारी रेडी हो गई है बिरयानी। नाज़रीन, ये रेडी हो चुकी है दम पे जाने के लिए। तकरीबन इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे हल्की आंच पर। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार है। आपने कमेंट्स में बताना है कि कैसी आपको लगी रेसिपी आज की हमारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के लिए हम आपके लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।